नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो आपको बोनस शेयर देने जा रहा है। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है, तो इस शेयर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो है हमारा हार्टसन एग्रो, हार्टसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। काफ़ी बेहतरीन शेयर है और रिटर्न जो दे रहा है लॉन्ग टर्म में वो भी काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। तो ऐसे शेयर में ही आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। जब भी आपको डिस्काउंटेड पर मिले, जब भी आपको नीचे के प्राइस पर मिले, तो आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। देखते हैं, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है 19 अक्टूबर को 1:3 के रेशियो में। काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते हैं। 3 शेयर पर 1 शेयर आपको फ्री मिलेगा। 1:3 का मतलब यही है। उससे पहले देख सकते हैं 2016 में दिया था 5 शेयर पर 2 शेयर फ्री। तो इस रेशियो को जानिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि 1 शेयर पर 3 शेयर फ्री मिलेगा, ऐसा नहीं। 3 शेयर पर यहाँ 1 शेयर मिलेगा। 1:3 का मतलब होता है बाएं साइड जो होता है वो आपको मिलेगा, और दाएं साइड जो है 3 शेयर आपके पास होनी चाहिए। अगर 3 से कम शेयर है तो आपको बोनस शेयर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके पास अगर कम शेयर हो तो 3 के मल्टीपल में आपके पास शेयर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बाय कर लीजिए इसके मल्टीपल में, तभी आपको बोनस शेयर उस रेशियो में मिलेगा। अगर आपके पास 10 शेयर है तो 3 शेयर ही आपके मिलेगा, और मतलब 9 शेयर पे 3 शेयर और 1 शेयर आपका जो रहेगा वो यूं ही रह जाएगा। तो इसलिए इसके मल्टीपल में होना चाहिए, 3 के मल्टीपल में। इन सब बातों को ध्यान रखिए। चलिए इस शेयर के हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस से जानेंगे क्या ये शेयर आपको मतलब बाय करनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस से हम जानेंगे किस लेवल और किस प्राइस पर आपको बाय करना चाहिए, क्या आपका टारगेट होगा, तो सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, 400% का डिविडेंड है, मतलब 4 रुपया पर शेयर आपको डिविडेंड मिलता है, तो काफ़ी बेहतरीन है। और कॉर्पोरेट एक्शन में आपको हमने दिखा ही दिया, अभी एक्स बोनस डेट इसका फिक्स नहीं है। तो जब बोनस का न्यूज आता है किसी भी शेयर में, उसमें तेजी देखने मिलता है। आप इस तेजी का फायदा ले सकते हैं कि आप इस शेयर में पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, बिना स्टॉप लॉस का आप कभी ना करें। और प्रमोटर्स का होल्डिंग यहाँ पर देख लीजिए, प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है 673.68 है, तो काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद फाइनेंशियल पर चलते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल जो है काफ़ी बेहतरीन है, देख सकते हैं 60 करोड़ प्रॉफिट था, वहाँ से 112 करोड़ जा चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। ये कंपनी मुख्य रूप से तमिलनाडु स्थित कंपनी है जो कि डायरी प्रोडक्ट बनाती है। तो एग्रो प्रोडक्ट आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर डायरी प्रोडक्ट ये बनाती है कंपनी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी तेज़ी से ग्रो की है ये इस कंपनी ने, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। आप चाहे तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे फंडामेंटल एनालिसिस के सारे पैरामीटर्स को हम देख रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देख लिया। अब इसके बैलेंस शीट को थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ हम बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे, जैसे बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे इस कंपनी का बैलेंस शीट आ जाएगा। तो चलिए हम बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है। रिजर्व और सरप्लस देख लीजिए, 888 करोड़ है, तो रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग की बात करें तो 614 करोड़ है, ये भी काफ़ी अच्छा है कंपनी के पास। नीचे चलते हैं तो जो कंपनी का जो कैश और बैंक बैलेंस है वो देख लेते हैं। तो कंपनी के पास जो कैश और बैंक बैलेंस है, कैश और कैश इक्विवेलेंट काफ़ी अच्छा है, 44 करोड़ का है, और करंट इन्वेस्टमेंट 0 है कंपनी का। तो मतलब कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी कंपनी के ऊपर है, और रिजर्व सरप्लस काफ़ी अच्छा है, और लेकिन कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 614 करोड़ का। तो ये हो गया स्टैंड लोन। अब कंसोलिडेट पे देखेंगे, कंसोलिडेट होता है कि जो पेरेंट कंपनी और सब्सिडी कंपनी सारी मिला करके कंपनी के ऊपर कितना मतलब रिजर्व है, कितना डेट है, तो उन चीज़ों को देख लेते हैं। कंपनी के पास जो मतलब यहाँ पर कंसोलिडेट में बात करें तो अपडेट नहीं है, देखते हैं मार्च 2010 तक का ही इस वेबसाइट पर दिया हुआ है, तो हम दूसरे वेबसाइट पर जाकर आपको देखना पड़ेगा। तो स्टैंड लोन आपने देख लिया, 2020 तक अपडेटेड था, यहाँ पर अपडेट नहीं है। अब हम इसके बात कर लेते हैं लेवल्स और टारगेट का, क्योंकि लेवल और टारगेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेवल्स और टारगेट को जानने से पहले हम कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कंपनी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब चार्ट है, रिटर्न का चार्ट है। यहाँ पर देख लीजिए 2001 से हम बात करें अभी तक, तो कंपनी का रिटर्न है 24,000%। 24,000% का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये आपको हर साल 1,000% से अधिक का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है, ऐसे ही शेयर में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, 24,000% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है, ऐसे ही शेयर में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, हर साल 1,000% का रिटर्न, एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो
दोस्तों 204 गुना आपके रुपया को कर दिया है। मतलब अगर आप इसमें 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो ये आपके रुपया को 240,000 बना दिया होता। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। ऐसे ही कंपनियों में आपको मतलब मल्टीबैगर रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके लेवल्स और टारगेट पर। यहाँ पर हम देखेंगे इसके लेवल्स और टारगेट क्या होने चाहिए। अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वीकली चार्ट पर अभी आपको जो दिख रहा है कि ये स्टॉक्स यहाँ पर अपना जो है देख सकते हैं आज ये रेड कैंडल बनाया है, मतलब नीचे आ रहा है ये। अगर इस लेवल्स को ब्रेक करता है अपना जो 900 के ऊपर ये जब भी क्रॉस करता है और सस्टेन करता है, यहाँ पर क्रॉस करने के बाद सस्टेन करना चाहिए तो एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की ओर हमें दिख सकता है। तो अभी जो हमारा ये है बाइंग जोन में नहीं है, मतलब अभी हम इसमें बाइंग का पोजीशन नहीं बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें, अभी हमारा ये बाइंग लेवल जोन में नहीं है क्योंकि मार्केट हमारा हाई है और ये अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मार्केट हमारा हाई है, निफ्टी अपना 12,000 के लेवल पे है और ये अपना हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तब हम यहाँ पर पोजिशन अपना बना सकते हैं और स्टॉप लॉस तब हमारा यही हो जाएगा 900 के ऊपर जब क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा तो हम बाय करेंगे, 900 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी हम इसमें वेट एंड वॉच करेंगे वीकली चार्ट के अनुसार। अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट पर क्या हमारा कोई बाइंग का पोजीशन बनता है, तो देख लीजिए डेली चार्ट पे भी यहाँ पर आप दिख रहा है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं इसी प्राइस रेंज में ऊपर नीचे ये फंसा हुआ है। तो डेली चार्ट में भी हम अभी इसमें बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि इसी प्राइस रेंज में ये फंसा हुआ है। जब यहाँ से ये जो लेवल्स है देखते हैं 880 इसके क्रॉस करेगा तो हम बाय करते हैं, लेकिन 900 इसका आगे जो है रेसिस्टेंस है तो इसलिए हम 900 को क्रॉस करने का वेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लगाते हैं मंथली चार्ट। जैसे मंथली चार्ट लगाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका जो 900-950 है इस बीच में मतलब ये रेसिस्टेंस फेस करता है। तो 900-950 को क्रॉस करने का वेट करेंगे। 950 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करता है तो हम बाय करेंगे मंथली चार्ट के अनुसार और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 900-950 के ऊपर स्टॉक निकल जाता है, फिर हमारा 950 स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि स्टॉक अभी जिस रेंज में है हो सकता है लंबे समय तक कंसोलिडेट कर सकता है क्योंकि काफ़ी एक बड़ा रैली यहाँ से इस स्टॉक ने दिखाया। यहाँ से देख सकते हैं 2008 से ही ये स्टॉक ने एक लगातार ऊपर की ओर मोमेंटम दिखाया और 2017 से ही ये स्टॉक इसी प्राइस रेंज में फंसा हुआ है। तो दोस्तों बोनस शेयर के कारण हो सकता है कुछ मोमेंटम देखने मिले। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोई भी बाइंग के पोजीशन अभी इस स्टॉक में नहीं बनता है तो अभी आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा रैली के बाद 2017 से यह स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तो आप इसमें अभी पोजीशन हो सकता है तो ना बनाएं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अब वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।